हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो दोस्तों, मेरे पीछे एक सुजुकी की कार खड़ी है जो कि होंडा सिटी के बराबर है। इससे पहले हमने होंडा सिटी का वीडियो बनाया, तो चल के भाई से बात करेंगे और जानेंगे ये कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको लेने में फ़ायदा है कि नहीं, इसका एवरेज क्या है, ये कार कितने की पड़ती है। ये देखिए सुजुकी सियाज है ये, इसमें कोई भाई बैठे हुए हैं, उबर ही चलाते हैं। चल के भाई से बात करेंगे। सलाम वालेकुम भाई। एक मिनट भाई, ये आपका कार है? इस कार के बारे में थोड़ा जानना था, मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे होंडा सिटी है और ये कार है, तो बस ये जानना था कि किसी को लेना है तो ये कार कैसी है, मतलब लेना चाहिए और क्या फ़ायदा है, कितने की पड़ती है। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो भाइयों, देखा अभी एक भाई के पास गया, मैं वीडियो बना रहा था, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने और पूछा कैसे वीडियो बना रहे हो, क्या है क्या नहीं। और इधर भी एक कार खड़ी हुई है, चंगन की है ये। चल के भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई बात करता है कि नहीं। तो देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर वीडियो अच्छी लगा करे, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितने कि हम भी वीडियो बनाएं और हमें भी आप लोग से थोड़ा हौसला मिले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये कार है इधर चंगन की, चंगन, ठीक है। तो इस कार की वीडियो बनाएंगे, इसमें एक भाई बैठे हैं, ये भी ऊबर लिमोजिन की कार है। और चल के भाई से बात करेंगे। अगर भाई बात करें, सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई, कैसा है? ठीक है, कैसा देख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। आप क्यों इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मुस्कुरा तो भाई हम परेशान थे आपको, इसलिए मुस्कुरा हो गया। बहुत टाइम से यूट्यूबर चलाते हो भाई, मैं आपको यूट्यूब देखता है। थैंक यू सो मच भाई। यार मैं भी आज तुम्हारा ये गाड़ी देखा ना, चाइना वाला, अच्छा। तो मैंने सोचा इस गाड़ी का वीडियो बनाएंगे, अच्छा, और पब्लिक को बताएंगे गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको लेने में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो अभी हम गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं, अच्छा। तो क्या मैं आपसे 5-10 मिनट बात कर सकता हूँ इस गाड़ी के बारे में? लेकिन सच्ची बात करना चाहिए, ओके सर, जो पूछेगा सच्ची, ठीक है। पहले आपका गाड़ी दिखा देगा गाड़ी, क्योंकि बहुत अच्छा है। तो भाई ये चंगन का गाड़ी है, ये देखिए डबल सिलेंसर, ऊंचा मॉडल लग रहा है। और सामने से कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये थोड़ा लड़ गया है भाई का गाड़ी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी का मॉडल बहुत अच्छा है, फुल सनरूफ भी लगा हुआ ऊपर। ये देखिए पीछे से आपको दिखा देते हैं कैसा स्पेस होता है इस गाड़ी में। लेदर का सीट लगा हुआ है तुम्हारी गाड़ी में? हाँ, लेदर का सीट। पीछे से भी बहुत कम्फर्ट कार है ये, और अच्छा भी जगह है। और ये भाई बता रहे ऊपर खुल भी जाता है, ये देखिए भाई ने खोल भी दिया। भाई डिग्गी खोलिए थोड़ा, तो आगे भी आपको बैठ के दिखाते हैं, पीछे भी काफ़ी कंफर्ट है। अब आगे बैठ के दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए आगे भी अच्छा खासा स्पेस है, वो फुल ऑटोमेटिक है, फुल डिजिटल है, इसमें स्पोर्ट सिस्टम भी है। अच्छा, स्पोर्ट सिस्टम भी, ड्राइव टू स्पोर्ट यानी तेज स्पोर्ट में चलाने के लिए। अच्छा, ये देखो, ये अभी नॉर्मल में आया। हाँ, अच्छा, मीटर भी चेंज हो जाता है अभी। ये स्पोर्ट सिस्टम, ये नॉर्मल, ये दो नॉर्मल में, ये तीसरा जो है ये स्पोर्ट्स में। अच्छा, ये देखिए नॉर्मल भी बता रहे, स्पोर्ट भी। और ये देखिए कुछ इस तरह का इनका डिस्प्ले है, और ये स्क्रीन टच है पूरा। हाँ, ये पूरा टच है, ये पूरा टच है। और अभी आपको चल के पीछे दिखाते हैं, स्पेस बहुत है तुम्हारी गाड़ी में। हाँ, स्पेस तो लंबा है ना, बहुत बड़ा है। हैंडल ये सब कुछ, स्टीयरिंग में भी सब कुछ दिया हुआ है, पूरा सेट करने का, मल्टीपल जो है पूरा इधर ही। अच्छा, तो अब चल के पीछे से आपको कार दिखाते हैं, डिग्गी कितनी बड़ी है इसकी देखेंगे। ये देखो भाई, डिग्गी भी काफ़ी बड़ी है इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है डिग्गी। तो एक बार आगे से आपको पूरी गाड़ी दिखा देते हैं। तो चलिए चलते भाई अब अंदर और भाई से बात करते हैं, जानते हैं इस कार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई, कैसे है? ठीक है, ठीक है भाई, आप बताइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, आप कैसे? हाँ ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान करकपीके का। अच्छा, पाकिस्तान से। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम भाई हैं, ये पाकिस्तान के हैं।
तो भाई ये बताओ, अच्छा आप हमें जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपका यूट्यूब देखता हूँ ना। अच्छा बहुत अच्छा लगा भाई यार, मिल गया यार। मैं आपका बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप देते हो। अच्छा तो आज आप हमें मिल गया, अचानक से, सही है ना? ना जो तो कैसा लगा मिल के? जो दिल नजदीक है ना वो अल्लाह से मिलता है। अच्छा अच्छा, आपका दिल नजदीक है ना इसलिए जी भाई, मैं आपका वीडियो बहुत देखता हूँ। अभी ये बंद कर दो, कहीं कॉल ना आ जाए। नहीं मैं बंद किया। हाँ तो भाई, तो हम वीडियो बना रहे हैं अभी कार के ऊपर। अच्छा ये कार आपने कैसे ली? अगर कोई नया आदमी आया है कार लेना चाहता है इस कंपनी की, चंगन। अच्छा कौन सा मॉडल की कार है ये? ये 2022 मॉडल है। 2022 चंगन। और क्या इसका आगे क्या नाम है? ईडू प्लस है। ईडू प्लस, चंगन ईडू प्लस। चंगन, चंगन है कि चंगन? चंगन ईडू प्लस। चंगन ईडू प्लस कार है ये, चाइना का कार है और फुल लग्जरी कार है। इसमें चारों तरफ कैमरे वैमरे सब दिए हैं, सब कुछ है। देखो ना, दिखाओ थोड़ा कैमरा चालू करके, साइड का व्यू ये देखिए, पूरा ऊपर से लेके साइड का सब कैमरा है। फुल ऑप्शन इनकी ये कार है, फ्रंट और ये भी खुल जाता है, सनरूफ भी पूरा ठीक है। ये देखिए, दुबई ने पहले दिखाया तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। चाइना की जो कार है इसमें पूरा लग्जरी का वो है, ये लग्जरी कार है ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे इस कार के बारे में। उबर? हाँ उबर भी है ना भाई, अपना उबर चलाता है, बदर गो चलाता है, तो अपना भाई पूरा काम करता है, क्योंकि यहाँ बिना मेहनत के और बिना उसके कुछ नहीं है। सही है ना भाई? मेहनत करना जरूरी है। तो आप दोनों चलाते हो, बदर गो उबर? बदर गो उबर राइड। तो भाइयों ये तीनों चलाते हैं, राइड बदर गो उबर चला रहे हैं। तो आप ये तीनों क्यों चला रहे हो? एक भी चला सकते हो ना, जैसे उबर एक भी चला सकते हो, लेकिन इतना काम नहीं है। एक तो मिसिंग नहीं है, एक करने मिलता है तो दूसरा को देता है। अच्छा दूसरा नहीं तो तीसरा देता है। अच्छा ये कार कितना पुराना है भी आपका? ये पुराना तकरीबन 2 साल है ना। 2 साल होने वाला है। 22 मॉडल है, 2022 मॉडल है। और ये चली कितना है भाई? ये देखिए मीटर में है इनका मीटर, ये देखिए कितना है? 2,40,000। 2,40,000 कार ये चल चुकी है, अच्छा खासा चल चुकी है। क्योंकि अगर ये चलाएंगे नहीं तो इनको कुछ बचेगा नहीं। सही बात है ना, 300-400 किलोमीटर रोज चलाते हैं, सही है ना? 350 से लेकर 400 तक। अच्छा तो भाई ये कार, ये बताइए कितने का आ रहा है नया कार ये? ये आप अगर इंस्टॉलमेंट पे लेगा तो तकरीबन 80 तक का पड़ेगा। अच्छा 80 तक पड़ेगा, जब कैश पे लेगा तकरीबन 65 और 67 ऐसा मिलेगा। अच्छा 60-65 हजार के बीच में कैश में है और 80 हजार का इनको इंस्टॉलमेंट में पड़ा है। अब जानते हैं कि चाइना कार कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत चाइना कार अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत लग्जरी टाइप का होता है। तो आप ये बताइए, आप अभी पूरा गाड़ी ये शोरूम से लेके आए थे? हाँ शोरूम से नया गाड़ी हमारी कंपनी ने दिया। कितना डाउन पेमेंट आपने दिया था? 16,000। 16,000 डाउन पेमेंट दिया है आपने? 16,000 रियाल में दिया। कितना महीने में किस्त आता है भाई? महीना में 1,750 रियाल। 1,750 रियाल का किस्त है। कई साल का है? मंथली का। कितना साल में, कई साल तक? 3 साल तक देना है ठीक है। तो भाई ये कार आपने क्यों ली? इसके बाद भी होंडा सिटी थी, कोरोला थी और भी कार थी, तो आपने ये कार क्यों ली? लेकिन ये चंगन कंपनी जो है, हमारा जो अरबाब है ना, हाँ, बांग्लादेश का है, हाँ, वो उसके साथ चंगन कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट है। उसने पूरा चंगन गाड़ी लिया, पहले पूरा चंगन है, पूरा चंगन गाड़ी लिया। अच्छा अभी किया भी लेता है, किया भी देता है अभी। अच्छा अभी किया के साथ कॉन्टेक्ट थ्रू किया, लेकिन पहले जो हमारा कंपनी था उस पूरा चंगन गाड़ी लिया। अच्छा भाई, हमारा जो रोमेट है उसके पास पूरा चंगन गाड़ी है। अच्छा अच्छा, ये बताओ चंगन गाड़ी आपने ले लिया ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये गाड़ी? नहीं गाड़ी तो अच्छा है, गाड़ी तो हम अच्छा। तो 2 साल से चलाते हो गाड़ी? अच्छा 2 साल से चला रहे। अच्छा लेकिन सच सही बताइएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो देख के और भी लोग लेना चाहेंगे, और भी लोगों को ये पता चलना चाहिए गाड़ी में क्या कमी है, क्योंकि गाड़ी हर गाड़ी में कमी होती है गाड़ी। लेकिन आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे, क्योंकि आप चला रहे हो। सही बात, अभी तक 2 साल में आपने क्या क्या काम कराया इसमें? मैं तो सिर्फ सर ऑयल चेंज करता हूँ, गियर ऑयल टाइम पे, ओके, मेजर सर्विस करता हूँ। मेजर सर्विस कंपनी में कि बाहर? नहीं शोरूम में करता हूँ, बाहर नहीं होता है। बाहर होता है लेकिन बाहर उसका सामान नहीं मिलता है ना। अच्छा। जो सामान जो आप लेते हो वो तो लाजम फिर शोरूम में जाएगा, शोरूम से लेगा। इसका जो ऑयल फिल्टर है वही बाहर नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, सब कंपनी में मिलता है। फिटिंग होता है, फिटिंग टोयोटा का भी कभी कभी फिट होता है, लेकिन आप ढूंढना पड़ेगा। अच्छा अभी जो ब्रेक पैड है हमारा गाड़ी का, मैं अभी इस ये टाइम 1 महीने पहले हम बाकर डाल दिया, हमको मिला, मैच हो गया उसके साथ। अभी देखो 3-4 महीना चलता है, लेकिन जो मेजर सर्विस है इंजन ऑयल गियर ऑयल ये तो सब मैं कंपनी में करता हूँ शोरूम में। अच्छा
तो इसमें अभी तक क्या क्या काम कराया आपने? 2,40,000 टायर चेंज किया? हाँ टायर तो चेंज करता हूँ। टायर तकरीबन मैं तो 3-4 बार चेंज किया। 3-4 बार 50,000-60,000 खत्म हो जाता। चाइना डलाते ओरिजिनल? नहीं चाइना, ओरिजिनल तो सर तो बहुत महंगा। चाइना डलाते। ब्रेक पैड? ब्रेक पैड तो मैं तकरीबन 3-4 महीना 5 महीना तक चलता है। चल जाता है। अभी कई बार चेंज किया जब से आप? ये अभी तकरीबन मैं रमजान से पहले चेंज किया। अच्छा, कितना बार चेंज किया टोटल 2 साल में? 2 साल में तकरीबन 10 से ऊपर 10 से ऊपर। बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है लेकिन चलता है ना गाड़ी, ज्यादा चलता है। तो गाड़ी अभी 2,40,000 चला। नॉर्मल जो कार होता होंडा सिटी हुआ टोयोटा हुआ तो उसका 1,80,000 तो ऐसे भी चल जाता है। नहीं सर ये टैक्सी ज्यादा चलता है, उसका ब्रेक ज्यादा। नहीं नहीं टैक्सी का बात कर रहा है मैं, भी मालूम है। लेकिन अगर तुम 10 बार चेंज किया, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ। तो ज्यादा खा रहा है इसका मतलब, ये ज्यादा खाता है। अभी ये जो मैंने शोरूम में डाल दिया ना उसका इतना ज्यादा टाइम नहीं है, जो मैं बाहर का कोरिया का मिल हमको मिल गया उसका टाइम ज्यादा मिला आपको। अच्छा, फ्रंट का तकरीबन मैंने बहुत टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया। अब 6 महीने हो गया। हाँ पीछे ब्रेक पैड जो है ना, पीछे तो नहीं चेंज होता जल्दी? पीछे इसका जल्दी होता है, बाकी सेम का सेम नहीं। उसका पीछे ब्रेक पैड है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका। अच्छा, वो जल्दी खराब होता है। अच्छा, फ्रंट वाला इतना जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन पीछे वाला जल्दी खराब करता है। अच्छा, ये गाड़ी का आगे तो डिस्क ब्रेक होगी ना? आगे तो डिस्क ब्रेक है। पीछे वाला जो है उसका ऑटो क्या नाम है वो ऑटोमेटिक है। अच्छा, पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि पीछे का जल्दी खराब होता है। नहीं तो लोग की गाड़ी में आगे खराब होता है, पीछे का नहीं खराब होता? खराब नहीं होता है लेकिन इस गाड़ी में पीछे का जल्दी खराब होता है, फ्रंट वाला जो है वो तो ये कमी है इस गाड़ी में, ये गाड़ी की ब्रेक जल्दी खत्म होती है। फ्रंट सेंसर है ना सर? फ्रंट सेंसर की वजह से वो क्या सेंसर फ्रंट में सेंसर है, ब्रेक सेंसर है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सेंसर है। जब आप गाड़ी की स्पीड में जाएगा ना पीछे नजदीक जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मारेगा, ऑटोमेटिक मारेगा। इसमें सेट करना पड़ता होगा ना कि अपने आप? नहीं वो तो ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से है। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी इनकी ब्रेक अपने आप लगती है, शायद इसी वजह से ब्रेक पैड ज्यादा खत्म। आप ब्रेक नहीं मारो वो ऑटोमेटिक की गाड़ी ब्रेक मारता है। अच्छा ऑटोमेटिक। एक दिन मैं ऐसा गाड़ी के नजदीक आया ना स्पीड से तो ये गाड़ी कैसे लड़ गया फिर आगे? ये तो बहुत पहले लग गया, ये रोड का सेफ्टी का तबुक नहीं है उसके साथ लग गया। अभी इंश्योरेंस पे बनाएगा? हाँ वो तो बनाएगा, वो तो कुछ नहीं। तो अभी तक आप 8 से 10 बार ब्रेक पैड चेंज करा चुके हैं? सच में? सच में सर। तो भाई आपको एक बात बताएगा, इसका ब्रेक पैड ज्यादा खा रहा है, सही है ना? नॉर्मल कार से, नॉर्मल कार में आप 2 बार कराता ज्यादा ज्यादा 3 बार कराएगा, बस इससे ज्यादा नहीं कराएगा। सही बात है। इतना चलने मेरे को भी एक्सपीरियंस है जो मैं वो बोला, अगर ओरिजिनल डालेगा तो 60,000 से 80,000 आराम से चलता है ओरिजिनल। या अभी मैंने जो डाल दिया ना दोनों का, ये ओरिजिनल नहीं है, ये दो नंबर है शोरूम का। जो ओरिजिनल मैंने डाला था ना वो 350 रियाल में हमको शोरूम में देता। अच्छा, था कितने का पड़ता था शोरूम में? शोरूम में 450 रियाल आगे पीछे दोनों? नहीं पीछे वाला थोड़ा एक्सपेंसिव। पीछे का 450 रुपया, आगे कितने का है? आगे 350 रुपया। 350? बहुत महंगा इसका यार, सामान एक्सपेंसिव है भाई का। दूसरी गाड़ियों का होंडा का और ये जो टोयोटा का 200 के आसपास है आगे का, ऐसे ही पीछे का होगा। तो ये बताओ बाहर से लेके डालने में कितना खर्चा आया? बाहर में हमको जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो 130 में मिला। अच्छा, वो 50 रियाल पे डाल दिया। ओके, पीछे का? पीछे का 250 में मैंने लिया था। अच्छा, 50 रियाल पे बताइए, यानी एक के रेट में आपने दोनों डलवा लिए। तो ये तो बाहर से लेके आपने डलवाया, काम कर रहा है सही? हाँ सही है। हमको एक मदीना खलीफा में एक मैकेनिक मिला, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो डाला। वो डाल अभी सही चल रहा है? हाँ सही चलता है। अच्छा, आप कंपनी में सर्विस कराते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है सर्विस में? सर्विस में तकरीबन फुल सर्विस में हम लोग 1450 लेते हैं। 1450 रियाल? 1400 रियाल हमारे साथ पेपर मौजूद है ना अभी? नहीं नॉर्मल सर्विस ऑयल फिल्टर का खाली। ऑयल फिल्टर का 195। और ये 1400 रियाल लेता है, ये कई बार सर्विस आप कराया? मेजर सर्विस जो है, मेजर पूरा गाड़ी का, पूरा गाड़ी। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग? उसमें इंजन ऑयल का चेंज करता है, गियर ऑयल चेंज करता है, स्पार्क प्लग चेंज करता है, एयर फिल्टर है, एसी फिल्टर है, ये सब कुछ चेंज करते हैं। अच्छा, ये कितने महीने में होती है मेजर सर्विस? ये किलोमीटर के हिसाब से होता है। अच्छा, कई लाख में होती है मेजर सर्विस? तकरीबन 60,000-70,000 तक गाड़ी जब चलाएगा ना तो मेजर सर्विस करना। नॉर्मल सर्विस अलग है, मेजर सर्विस अलग है। तो मेजर सर्विस अभी तक आपने कई बार कराया इस गाड़ी में? मैं तकरीबन 3 बार कराया। 3 बार 1400 रियाल की मेजर सर्विस, बहुत महंगी यार
1400 रियाल की अगर 6500 में आप मेजर सर्विस कराए तो महंगा बहुत है, बहुत महंगा है सर। और नॉर्मल सर्विस जो है 130 रियाल की, नहीं 195 की है। ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन और ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और फिल्टर, ये का एक 195। तो हरी सर्विस महंगा है इसका, तो काम कंपनी में होता है पूरा? हाँ, पूरा कंपनी में होता है, शोरूम में। अच्छा, सामान नॉर्मल सामान बाहर आपने और भी कुछ इसका खराब हुआ कुछ ऐसा, जैसे वाटर पंप है या ब्रेक में कुछ ऐसी कमी आई हो जो तुमने? नहीं मिलता है सर बाहर। नहीं, तुम्हारा कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ गाड़ी में अभी तक? नहीं, हमको अभी 2 दिन पहले एक जो रेडिएटर का स्पेयर वाटर डब्बा नहीं है वो लीक हो गया, वो तो मैंने उधर चेंज किया, मैंने खुद चेंज किया। अच्छा, हमको थोड़ा सा मैकेनिक की मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उधर ओनाइज स्टेट में हमको गाड़ी खड़ा हो गया, गर्म हो गया। हाँ। तो हमारा दोस्त एक आया उधर सामान लेने के लिए, उसने लेकिन हमारा जो स्पेयर डब्बा है वो लेके गया। हाँ। लेकिन मिला नहीं। हाँ। बहुत ढूंढ ढूंढ के नहीं मिला, नहीं मिला। फिर शोरूम से लिया मैंने। कितने का? 190 पे लिया। 190 नया पकड़ा कंपनी में, यानी कंपनी में मिलेगा पूरा सामान, कंपनी में मिलेगा सामान, बाकी नहीं मिलेगा उसका सामान। आप क्या कहना चाहते हो, अगर किसी को ये कार लेना है तो ये कार लेना चाहिए कि और कोई दूसरा कार देखना चाहिए इतने पैसों में? मेरे हिसाब से तो महंगा है। नहीं, गाड़ी तो महंगा है सर, तो हम लोग को मजबूरी, लेकिन लग्जरी है, लग्जरी है, लेकिन हम लोग का मजबूरी था उस वक्त। अच्छा। गाड़ी तो हमारा कंपनी जो है कॉन्टेक्ट दूसरा कंपनी के साथ था नहीं, इसलिए तो मैं ये गाड़ी ली। आप क्या कहना चाहते हो यूजरों से, लेना चाहिए? यूजर को नहीं, ये चाहिए गाड़ी नहीं लो। अच्छा, चाइना गाड़ी कभी भी नहीं लो। अच्छा, ब्रांडेड कंपनी का होंडा, होंडा, टोयोटा, टोयोटा से जो की कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उसका अच्छा। सामान बाकी मिलता है, सस्ता मिलता भी है। अच्छा, और एक्सपेंसिव इतना नहीं है। अच्छा, ये लग्जरी तो लगता है। हाँ। लेकिन सामान बहुत एक्सपेंसिव है, सामान बहुत एक्सपेंसिव है। आपको अगर सोबाजी के लिए लेना है तो ये कार ले लो आप। ये देखिए, कार का प्राइस भी सही है, 80,000 का पड़ता है, सही है ना? सही बात। लेकिन अगर इससे काम करना है तो ये कार मत लो, भाई का ये रहा है। लेकिन भाई का कार भी अभी 2,40,000 किलोमीटर चल चुका है, भाई बता रहे अभी कोई ऐसा काम आया नहीं है। हम सर्विस टाइम पे कराते हैं, सब टाइम पे कराते हैं, और 65,000 की आसपास ये कार है, भाई बता रहे। अगर कैश लोगे और अगर डाउन पेमेंट पे करके इसको लोन कराओगे तो 80,000 का पड़ता है। इसी टाइप का अगर लग्जरी कार आप कोई लेंगे तो वो आपको कैश में पड़ेगा 80,000 के आसपास, जितना कुछ इसमें है, यानी बस 15-20,000, 10-15,000 कम में आपको वो सब मिल जाता है जो आप इससे ऊंचा मॉडल में जाएंगे कंपनी की कार लेने में, सही है ना? सही बात है सर। वो चीज आपको इसमें मिल जाती है, यानी 10-15,000 कम में, लेकिन इतना सस्ता नहीं। अगर आपको काम करना है तो वही कार लो जिसमें आपका फायदा हो, फायदा हो। आप बेचो तो बिक जाए, क्योंकि इसकी रिसेल वैल्यू भी बिल्कुल नहीं है। हम ये 5 साल जब ऊबर से कैंसिल हो जाएगा ना, ये मुमकिन कोई रिसेल भी नहीं करेगा, हम लोग वही नहीं पकड़ेगा ना सर। हाँ, क्योंकि रिटेल वैल्यू भी इसकी नहीं होगी बेचेंगे तो, सही है ना? सही बात है। बेचने में तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि चाइना गाड़ी को कोई भी लेता भी नहीं है। अच्छा, तो चलिए भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आपने जेनुइन इन्फॉर्मेशन जो दी है ये लोगों तक पहुंचेगी। ओके, और आप भी कार आराम से चलाइए, साफ सफाई से रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिल जाता है। ओके सर, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई आपका। तो भाई आपने देखा, ये चंगन की कार थी और मैंने भाई से बात करी, भाई ने बिल्कुल क्लियर बताया ये कार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय।